99 डॉट्स क्या है और गवर्नमेंट ने ये क्यों लॉन्च किया। सो 99 डॉट्स जो है ये बेसिकली RNTCP ने लॉन्च किया है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, एंड ये 2018 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ। सबसे पहले वो HIV पेशेंट्स के अंदर और उसके बाद जो है एज अ रूटीन ट्रीटमेंट ऑफ द TB उसको लाया गया। सो ये हम डिस्कस करते हैं। सो ये एक मोबाइल फोन से मॉनिटरिंग करने की टेक्निक है और जिसके कारण हम जो है टीबी के जो पेशेंट्स जो है उनकी ट्रीटमेंट का जो एडहरेंस जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं इससे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है JP नड्डा साहब। उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ तब ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और ये जो है उसका टीबी का पैक है और ये जो सारी चीज़ें जो है हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट्स को टीबी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से मेन सिम्टम्स है टीबी के, तो सबसे पहला आता है कफ विथ स्पूटम होता है उसके अंदर, उसके अंदर फीवर जो है जो मोस्टली इवनिंग राइज ऑफ फीवर होता है, शाम को हल्का सा बुखार रहता है, फिर नाइट स्वेट्स होता है और पेशेंट का जो है एनोरेक्सिया रहता है, भूख नहीं लगती है, इसके कारण उसका जो वेट लॉस होता है। अगर ऐसे उसके कोई सिम्टम्स है तो उस रिगार्डिंग, ये मैं पल्मोनरी टीबी की बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर कफ होता है, बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होते हैं जो बेसिकली सबसे मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल लिम्फ नोड वगैरह, तो उसके अंदर वेट लॉस, इवनिंग राइज ऑफ फीवर ये सब तो होता है मगर उसके अंदर कफ नहीं होता। मगर मोस्ट कॉमनली जो है पल्मोनरी टीबी है तो उसका हम जो है स्पूटम टेस्टिंग के लिए हम लैब में भेज देंगे। जो भी हम दो स्पूटम टेस्टिंग कराते हैं, एक पेशेंट जब आया ऑन द स्पॉट और एक जो है हम उसको एक कंटेनर दे देते हैं जिसमें हम मॉर्निंग स्पूटम उसका कलेक्ट करते हैं। उसके बाद पेशेंट्स का जो स्पूटम के अंदर अगर वो पॉजिटिव आता है, और अभी हम जो है एक उसके लिए एक और टेक्निक भी यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए जिसका नाम है CBNET, जिसका फुल फॉर्म है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसके अंदर हम जो है एक कार्ट्रिज यूज़ करते हैं और जो अपने जो स्पेसिमेन जो है उसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि उसको एम्प्लीफाई करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद जो है पेशेंट को हम जो है 99 डॉट्स के अंदर हम पेशेंट को रजिस्टर करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो हम इजीली एक सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि जो 99 डॉट्स के अंदर पहले क्या था कि कैटेगरी 1 थी, कैटेगरी 2 थी, बट ये सब सारी कैटेगरी जो है अब हटा दी गई है। अभी जो है ओनली जस्ट सिंगल थिंग, और इसके अंदर पहले क्या होता था कि भाई उसको एक दिन दवाई लेनी थी, एक दिन नहीं लेनी थी, वापिस से एक दिन लेनी थी, इस तरीके से ऑल्टरनेट डे रेजिमेंट था, बट अब जो है 99 डॉट्स के अंदर जो है ये डेली रेजिमेंट कर दिया गया है, और इस डेली रेजिमेंट के अंदर जो पेशेंट्स को दवाई देनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स वेट डिसाइड किया गया है। और इसमें क्या कर दिया गया कि एक ही टैबलेट है तो एक ही टैबलेट के अंदर बेसिकली 4 दवाई अंदर डाल दी गई है, कौन कौन सी, HRZ and E फॉर इंटेंसिव फेज, जिसके अंदर H बराबर जिसका नाम है आइसोनियाजाइड वो 75 मिलीग्राम होती है, फिर आ जाता है R दैट इज़ द रिफाम्पेसिन, वो एक टेबलेट के अंदर 150 मिलीग्राम होती है, उसके बाद आ जाता है पाइरेजिनेमाइड जो बेसिकली एक टेबलेट के अंदर 400 होती है, और इथाम्ब्यूटॉल जो एक टेबलेट के अंदर 275 होती है। तो इस तरीके से एक ही टेबलेट के अंदर 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन डाल दिया गया है। अब कोई पेशेंट का वेट अगर 25 से 39 केजी के बीच में है तो उसको हर रोज की 2 टैबलेट लेनी है, कौन से फेज के अंदर, इंटेंसिव फेज। हमको पता है कि टीबी की ये जो ट्रीटमेंट जो है ये 6 महीने चलने वाली है, और इस 6 महीने में से 2 महीने इंटेंसिव फेज है और 4 महीने जो है वो कंटिन्यूएशन फेज है। अब ये जो 2 इंटेंसिव फेज है उसके अंदर 4 टैबलेट है, और याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन को अब नए थेराप्यूटिक में से हटा दिया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड थी बराबर, वो इंजेक्टेबल थी, उसको अब
इसके अंदर से हटा दिया गया। नाउ अगर पेशेंट का वेज 40 से 54 के बीच में है तो उसको डेली की 3 टैबलेट लेनी है, 55 से 69 के बीच में है तो उसको डेली की 4 टैबलेट, और 70 केजी से ज़्यादा है उसका वेट तो उसको हर रोज़ की 5 टैबलेट लेनी है इंटेंसिव फेज में। वैसे तो पेशेंट का जो है इंटेंसिव फेज होने के बाद जो है हम उसका स्पूटम माइक्रोस्कोपी करते हैं रिपीट, वो अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं कंटिन्यूएशन फेज में, और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर जो ट्रीटमेंट है दैट इज HRE। अब ये जो HRE जो है उसके अंदर H दैट इज 75 150 275 इसके अंदर जो है पाइरेजिनेमाइड नहीं है, तो वो जो है सेम अकॉर्डिंग टू वेट 2, 3, 4 या 5 करना है, और ये जो है हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है तो पीडियाट्रिक के लिए जो है वो एक अलग से उसके टेबलेट डोजिंग जो है तैयार की गई है, उसके अंदर इंटेंसिव फेज के अंदर इथाम्बिटोल को जो है वो अलग रखा गया है, क्योंकि हमको पता है कि इथाम्बिटोल जो है वो ऑप्थेल्मिक डैमेज ज़्यादा करता है, तो बच्चों के अंदर उसको जो है वो अलग रखा गया है, और उसके अंदर जो HRZ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर है 50, 75 एंड 150। अगर बच्चे का वेट 4 से 7 केजी के बीच में है तो उसको हर रोज की 1 टेबलेट, 8 से 11 है तो हर रोज की 2, 12 से 15 है हर रोज की 3, एंड 16 to 24 केजी है तो उसको हर रोज की 4 टेबलेट लेनी है। और अगर 24 केजी से अगर वेट अगर बढ़ता है जैसे कि 25 टू 29 है तो उसको क्या करना है कि ये जो 3 वाला था वो पीडियाट्रिक प्लस एक एडल्ट वाली कैप्सूल लेनी है, तो उसका डोज जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे कि 30 टू 39 केजी के बीच में है तो ये जो 2 है वो पीडियाट्रिक और 2 एडल्ट वाला जो है टैबलेट वाली वो स्ट्रिप उसको देनी होती है, बराबर। और इथाम्बिटोल जो है वो बेसिकली उसके साथ अलग से उसकी एक छोटी सी टैबलेट अलग से आएगी। कंटिन्यूएशन फेज के अंदर भी आपको ऐसे ही याद रखना है अकॉर्डिंग टू द वेट जो है 1, 2, 3, 4, या तो फिर 25 केजी से वेट बढ़ता है तो उसकी पीडियाट्रिक कैप्सूल के साथ साथ हम एक एडल्ट कैप्सूल जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ये हमने देख लिया ट्रीटमेंट डेली रेजिमेन है, और उसके अंदर मोस्टली जब नया पेशेंट डायग्नोस होता है वो पल्मोनरी हो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो उसकी ट्रीटमेंट जो है 6 मंथ की है, मगर अगर वो प्रीवियसली ट्रीटेड है और उसका वापस से टीबी हो गया है तो उसके अंदर जो है 8 महीने की ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, नाउ 99 डॉट्स के अंदर पेशेंट की क्या खासियत है, इसमें मोबाइल से हम कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कि ये जो पैक है ड्रग का तो उसके साथ साथ ऐसे एक वाइट कलर का एक लिफाफा दिया जाता है, और उसको कैसे किया जाता है तो इस तरीके से लिफाफे के अंदर जो है वो टैबलेट को पैक करके उसको दिया जाता है, बराबर। एंड पेशेंट जब दवाई खोलेगा तो उसके पीछे वाले पार्ट के अंदर मोस्टली हर सेकंड नंबर के टैबलेट के नीचे जो है इस तरीके से एक ये जो बटन बनाया गया है वो टेलीफोन का है, उसके अंदर से एक नंबर निकलेगा, वो नंबर जो है वो एक टॉल फ्री नंबर है और उस पर जो है पेशेंट को कॉल करना है। पेशेंट कॉल करेगा तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो ग्रीन टिक हो जाएगा कि पेशेंट ने दवाई ले ली है। तो इस तरीके से स्टार्ट करने के बाद पूरा ऐसे टैबलेट किस तरीके से लेनी है उसका पूरा गाइडेंस दिया गया होता है, जैसे कि पेशेंट को हर रोज की 2 टैबलेट लेनी है तो वो यहाँ से 2 टैबलेट लेगा और यहाँ से जो नंबर निकलेगा उस पर वो कॉल करेगा, बराबर। इस तरीके से भी आप देख सकते हो ये IP का भी आता है और CP का भी आता है, इंटेंसिव फेज एंड द कंटिन्यूअस फेज, हर रोज उसको कितनी टैबलेट लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है वो यहाँ पे लिखना होता है, और हर 2 नंबर पे मोस्टली ये होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि भाई जो अलग अलग 3 वाले 4 वाले 5 वाले ऐसे लिफाफे नहीं होते, सब जगह सब में मोस्टली 2 वाला ही होता है। अगर किसी पेशेंट को हर रोज़ की 4 लेनी है तो 4 टैबलेट अगर वो लेगा तो यहाँ पे 2 नंबर निकलेंगे, तो वो दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर जो है वो कॉल कर सकता है और पेशेंट ने दवाई ले ली है ऐसा रजिस्टर्ड हो जाएगा। और पेशेंट को जो है इस तरीके से एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, और इस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर उसका नाम, उम्र, राइट, उसका वेट, उसका एड्रेस वगैरह होता है, और सबसे मेन चीज़ अभी यहाँ पे जो है एक निक्स आईडी जो है पेशेंट की अभी जनरेट की जाती है,
अब ये निक्षय आईडी क्या है, तो ये जो है कोई भी पेशेंट टीबी का डायग्नोस होता है तो उसको एक आईडी दी जाती है, उसके अंदर उसका आधार कार्ड भी रजिस्टर्ड होता है, उसकी बैंक डिटेल्स उसके अंदर डाली जाती है और उसके अंदर पेशेंट को हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 500 रुपीज़ जो है उस अकाउंट के अंदर डाले जाते हैं। जैसे कि इस पेशेंट का जो था वेट बैंड जो फिर 42-54 में था, तो उसको डेली की जो है वो 3 टेबलेट्स लेनी थी, ठीक है। और इस तरीके से पेशेंट्स को जब आईपी एंड होता है तो उसके बाद स्पूटम एग्जामिनेशन बराबर, और जब सीपी एंड होता है तो उसके बाद स्पूटम एग्जामिनेशन और एक पोस्ट ट्रीटमेंट भी एक किया जाता है जो इस पेशेंट्स का बाकी है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सरकार ने जो है अभी 2025 तक इंडिया के अंदर से टीबी को एंड करने का जो है वो मुहिम चलाई है, तो अभी उसके रिगार्डिंग पेशेंट दवाई ले उसके सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है उनको हर महीने 500 रुपये देने वाली है। और ये 500 रुपये जो है गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि पेशेंट को एनोरेक्सिया होता है तो ये पेशेंट को बेसिकली एक डाइट इम्प्रूव करने के लिए ये हेल्पफुल हो गए, मतलब पेशेंट जो है इससे जो है दाल चावल ये अच्छा लेके खा सकता है, तो बेसिकली उससे पेशेंट जो है टीबी के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा और गवर्नमेंट का भी टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कैसा सॉफ्टवेयर होता है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पेशेंट की निक्स आईडी होती है और उसके अंदर जो भी उसके डोजिंग है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और उसके अंदर पेशेंट जब दवाई ले लेगा तो वो ग्रीन डॉट हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला पेशेंट जो है उसके अंदर उसने ये 3 डोजिंग नहीं लिए है तो इसमें बेसिकली ये रेड कलर मार्किंग है। जैसे कि ये वाला पेशेंट है उसने तो यहाँ पे डोजिंग लिए ही नहीं है, तो उस तरीके से मार्किंग आ जाता है, ठीक है। नाउ पेशेंट जब दवाई नहीं लेता है तो 99 डॉट सॉफ्टवेयर के अंदर पेशेंट को एक रिमाइंडर मैसेज जाता है कि प्लीज टेक द पिल्स। उसके साथ साथ जो वो पेशेंट जिस ट्यूबरक्यूलिन यूनिट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ के स्टाफ को भी बेसिकली एक पेशेंट मैसेज जाता है कि आपके एरिया के आपके अंदर रजिस्टर हुए इतने पेशेंट्स ने और उसका मोबाइल नंबर ये है, उन लोगों ने अभी पिल्स नहीं ली है, बराबर। और जब कोई पेशेंट नया रजिस्टर्ड होता है तो पेशेंट कहीं भी रजिस्टर्ड हो, वो कहीं पे भी टीबी का डायग्नोसिस हो, वो जहाँ पे रहता है उस एरिया के अंदर जो ट्यूबरक्यूलिन यूनिट वगैरह जो लागू होता है वहाँ के जो इंचार्ज है उनको एक मैसेज जाता है कि आपके टीयू के अंतर्गत ये पेशेंट जो है रजिस्टर्ड हुआ है, राइट। और ये जो है पूरा एनालिसिस डेली बेस्ड जो है हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं और उसमें हर मंथली पेशेंट का एडहरेंस वगैरह भी हमको मिल जाता है। क्या बेनिफिट्स है 99 डॉट्स के? तो बेसिकली इसमें पेशेंट्स को भी ट्रैवलिंग लेस है और पेशेंट का कन्वीनियंस ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि जो एक आशा वर्कर उनके घर जाती थी हर रोज, तो बेसिकली जो फील्ड वर्कर्स जो है सुपरवाइजर्स जो है उनका भी मॉनिटरिंग करना बहुत इजी हो जाता है, उनको भी पता चल जाता है कि 100 पेशेंट है तो 100 पेशेंट्स में से 90 या 80 तो ऐसे है कि जो रेगुलर ले लेते, तो मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो टाइम टू टाइम दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, तो बेसिकली वो भी एक हो जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी डेली जो एक विजुलाइज फॉर्म में सॉफ्टवेयर के फॉर्म में वो उसको देख सकते हैं कि भाई हाँ ये पेशेंट्स जो है ये दवाई नहीं ले रहे हैं, ये जो है रेगुलरली ले रहे हैं, तो एक इजी मॉनिटरिंग हो जाता है और जो भी एक्यूरेट रिपोर्ट्स जो है वो इससे जनरेट हो जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने जिनको 2 पिल 3 पिल 4 पिल 5 पिल जो लेनी है उसके जो डिजाइनिंग जो है जो हम लिफाफे थे वो अलग अलग बनाए हैं, बट मोस्टली मैंने तो यहाँ पे एक सिंगल वाइट कलर का ही देखा है। वैसे तो 2 पिल के लिए येलो वाला, 3 के लिए ब्लू या 4 के लिए ग्रीन या 5 के लिए स्लाइटली पिंकिश कलर वाला जो लिफाफा होता है, जैसे 5 वाला होगा तो उसमें फर्स्ट के बाद यदि 5th नंबर की पिल पे उसका मोबाइल नंबर आएगा, बट ये जो है आइडियली मैंने तो यहाँ पे कहीं देखा नहीं है अलग अलग कलर के लिफाफे, जनरली वो 2 वाला ही होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।